लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वर दिया था, उन्हीं के वर का ये प्रताप है। मेरे पिता कौन थे माँ? उनके अनेकों नाम हैं, शिव, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, त्रिपुरारी। बाप रे बाप, पिताजी के इतने नाम हैं माँ? नाम ही नहीं, उनमें बहुत से गुण भी हैं बेटा। माँ, पिताजी कब आएंगे? बहुत जल्दी आएंगे। देखो बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम किसी को अंदर मत आने देना। हाँ, बहुत अच्छा माँ, परंतु माँ, आने वाले को रोकूंगा कैसे? ये लो बेटा। कौन हो? आप कौन हैं? सारा ब्रह्मांड मुझे जानता है, तू नहीं जानता? नहीं, मैं शिव हूँ। शिव, शंकर, भोलेनाथ, आप ही हैं? प्रणाम पिताजी। दूर हट, तू और मेरा पुत्र, ये कभी नहीं हो सकता। मैं स्वयं पार्वती से पूछता हूँ, तू कौन है? आप अंदर नहीं जा सकते पिताजी। मुझे पिताजी भी कहता है और अंदर भी नहीं जाने देता। माता की यही आज्ञा है। अच्छी बात है, जा देवी से कह दे शिव आए हैं। बाप भोलेनाथ, मैं इतना बोला नहीं, मैं अंदर जाऊंगा तो आप भी मेरे पीछे पीछे आएंगे। मैं भी नहीं जाऊंगा और आपको भी अंदर नहीं जाने दूंगा। बालक, तू मेरा अपमान कर रहा है। मैं माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। बालक, मैं कहता हूँ अब भी अपना हाथ छोड़ दे, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा हो या बुरा, मैं अपने जीते जी किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। तो मैं इस त्रिशूल से तेरा सिर उड़ा दूंगा। अहो भाग्य। सावधान। जय माता। कोई अनहोनी घटना हो रही है।
मैं बचा दूंगी। देवी, ये तुम्हारा पुत्र था? तो क्या आपने इसकी हत्या की है? हाँ। इस निर्दोष की हत्या करते हुए दया नहीं है आपको? इस फूलझा से बच्चे ने क्या बिगाड़ा था आपका? कौन सा अपराध किया था इसने? अपने ही पुत्र के लहू में हाथ रंगकर क्या सुख पाया है आपने? बताइए, बताइए स्वामी। ये मेरा पुत्र? कैसे? आप ही ने एक बार मुझे मानस पुत्र के लिए वर दिया था। मैंने वर दिया था? कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए तो आपको भोलेनाथ कहा जाता है। आपने ही वर दिया और आप ही भूल गए। स्वामी, इसे जिंदा कीजिए, नहीं तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। ऐसा अनर्थ ना करो देवी। भोलेनाथ, ब्रह्मदेव, आप निर्माण के देवता हैं, आप ही कोई उपाय कीजिए। आप चिंता ना कीजिए, मैं वो सिर लाकर अभी जोड़ देता हूँ। ये नहीं हो सकता। देवराज इंद्र, क्यों नहीं हो सकता? इस बालक का सिर अप्सराओं के हाथ में पड़कर अशुद्ध हो गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के होते हुए मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता, तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। धीरज रखो देवी। रिंगी ब्रिंगी, आज्ञा प्रभु। उत्तर दिशा में जाओ और जो भी जीवधारी मिले उसका सिर ले आओ। ये क्या? विधाता की इच्छा प्रभु। आप ही की तो आज्ञा थी कि उत्तर दिशा में जो सबसे पहला जीवधारी मिले उसका सिर ले आओ। तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई ना? मेरा बेटा कितना सुंदर था, ये रूप देखकर कोई इसे सम्मान नहीं देगा, लोग इसकी हंसी उड़ाएंगे। इसकी कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ। सबसे पहले गजानन की पूजा हुए बिना देवताओं को कोई पूजा स्वीकार नहीं। हम भी यही आशीर्वाद देते हैं। सुना देवी, विद्या अध्ययन के बाद मैं इसे गणनायक बनाऊंगा। गजानन, गुरु आश्रम में रहकर तुम्हें विद्या अध्ययन करना होगा। जो आज्ञा पिताजी।